Television since a couple of years, and this is one of my co-actresses who suddenly woke me up in the morning saying that this film happening, why don't you go and meet these people. And I was never interested in doing films. I had just thought that no, I will never do films. I was very happy with television. I said no, listen, I'm sleeping now, I'll go later, this, that, a lot of things happened, and she said just go. Yeah, I don't know why that day she called and why did it happen and why did I go. I just don't know. And I went there and I met these people and I came back within half an hour. And by afternoon, I met them in the morning, and in the afternoon I get a call that, listen, the film is happening and you've been finalized for the role. And everything just happened very suddenly. Yeah. I would say that the beginning of the film is Raghu More and the second part of the film is Bachelor of Hearts. Yeah, see, basically the title says that Raghu More, what kind of a person he'll be, you know, a typical ghati, Marathi kind of a boy. And finally, when even after he becomes a dude and he tries to impress this woman and she really gets impressed and she actually falls in love with him. But at that, by the end of it, he realizes, no, this is not the woman I want. And he leaves her and he goes. So he remains a bachelor of hearts or whatever. So it's a very intriguing, title, you know. Ruti, hold on, buddy. Anamika, stay back. Come forward, buddy. Yeah. Come. मुझे एक रिहर्सल में मुझे देख नहीं सकते तुम लोगों ने सब आके आता है वो भी बोलता है फ्रेम में
सोनिया को कुछ आज सोनिया I'm playing the character of Raghu More. Thank you. Okay. मैं चंडीगढ़ से आया था यहाँ बॉम्बे स्ट्रगल के लिए, तो आते ही मैंने थोड़े एड फिल्म्स किए. इसके बाद एक कोऑर्डिनेटर है मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि इकबाल राज एक फिल्म बना रहे हैं रघु मोरे बैचलर ऑफ आर्ट्स. इसके लिए मैं गया उनके पास, स्क्रिप्ट सुना. जैसे स्क्रिप्ट सुना मैंने लगा कि रघु मोरे इज द सेम करेक्टर जो मैं चाहता था कि ऐसा कुछ होना चाहिए. हमारे कॉलेज में जो लड़के होते हैं इनोसेंट जेन्युइन, वो सब कुछ इस कैरेक्टर के अंदर है. तो जैसे मैंने सुना पूरा का पूरा, दिल का हाँ इसमें कुछ है. मैंने सर से कहा हाँ मैं करना चाहता हूँ. इकबाल जी ने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी. उन्होंने मुझे एक दिन का टाइम दिया. जो पहला शॉट था, जो पहली स्पीच है उस फिल्म की, वो उन्होंने मैंने उन्हें पढ़ के सुनाई. अगले दिन उन्होंने सुना और कहा कि यू आर इन द फिल्म. सो आई एम डूइंग द फिल्म रघु मोरे बैचलर ऑफ आर्ट्स. ये फिल्म है, रघु मोरे एक कैरेक्टर है जिसकी फादर LIC में क्लर्क है. एक लड़का है चौल में रहने वाला, वन बेडरूम किचन लेटरिन बाथरूम, सारी फैमिली वहीं सोती है. और गरीब गरीब नहीं कहा जाता है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है. सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा है, एकदम से हाई फाई कॉलेज में पहुंच गया है. तो जो डिफरेंस होता है, इंग्लिश नहीं जानता, उनकी स्टाइल है इसके पास नहीं है. स्टार्टिंग में अपने आप को इंडिया का रॉजर मूर समझता था जब इस अपने स्कूल वगैरह में था कि मैं जेम्स बॉन्ड टाइप हूँ, ये हूँ वो हूँ. लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में आया उसने देखा नहीं, लाइफ बहुत कुछ है. लाइफ में सिर्फ रघु मोरे होना ही काफ़ी नहीं है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए. मतलब उसको अपने रघु मोरे होने से ही चिढ़ होने लगी कि नहीं मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, रॉजर मूर बनना चाहिए मुझे, जो रियलिटी में हो नहीं सकता. वो एक सपना है उसका कि मैं ऐसा दिखता हूँ ऐसा लगता हूँ, जो वो है नहीं. तो ये फिल्म इसी के बारे में है कि कैसे उसके सपने जो हैं, उसकी वो जो जेन्युइन है, जो इनोसेंट है, उसका प्यार के लिए जो इनोसेंस है, वो कितनी अलग है रियलिटी से. I'm real.
this time. Like I was in this heavy funk. But now it's funk. Funk. Like I was in this heavy funk. Can you feel me? And you feel me?
Left.